इस वीडियो में हम डिक्रीमेंटल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, साथ में आपको एक ज्वाइन ऑपरेशन दिया हुआ है। ज्वाइन ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसके दो पैरामीटर्स हैं एक्स कोमा वाई। इसका मतलब है कि आप एक्स और वाई को कॉन्कैटिनेट कर दो, कॉन्कैटिनेट करके एक्स वाई ये स्ट्रिंग बना दो। जब आप एक्स और वाई को कॉन्कैटिनेट करोगे तो अगर एक्स का लास्ट लेटर और वाई का स्टार्टिंग लेटर ये दोनों अगर सेम होंगे तो उसमें से वो कॉमन लेटर एक बार डिलीट हो जाएगा। जैसे आपका ए बी और बी ए, इनका अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका ए बी बी ए ना बनने के बजाय ए बी ए, कॉमन जो बी था ये एक टाइम रह जाएगा। और अगर आपके दोनों डिफरेंट होंगे ए बी सी डी तो आपका क्या बनेगा, ए बी सी डी। इस तरह से आपको एन स्ट्रिंग्स दिए हैं, आपको एन माइनस वन टाइम्स ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये एन माइनस वन टाइम क्या है, आप आई वन से शुरू करोगे और एन माइनस वन तक जाओगे। आई एथ ऑपरेशन में आप आइदर ज्वाइन कर सकते हो स्ट्रिंग आई माइनस वन वर्ड्स आई, कि जो अब तक आई माइनस वन तक वर्ड्स को कंसिडर करके स्ट्रिंग बना है उसका आई एथ वर्ड के साथ कंकैटिनेट कर दो, या फिर इसका रिवर्स, पहले वर्ड्स आई फिर जो अब तक स्ट्रिंग बना है उसका। इस तरह से एक ऑपरेशन में आप इन दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हो। आपका एम क्या है, आपको जो लास्ट स्ट्रिंग बनेगा एन माइनस वन ज्वाइन ऑपरेशन करने के बाद उसकी लेंथ को मिनिमाइज करना है और वो लेंथ आपको रिटर्न करनी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, वर्ड्स है हमारे ए ए ए बी बी सी, इसमें हम कितने ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें ए ए ए बी, हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा ए ए बी, हमारा ये स्ट्रिंग आ जाएगा। फिर हम ए ए बी और बी सी इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा ए ए बी सी, इसकी लेंथ कितनी है, फोर है, तो हम ये फोर रिटर्न कर देंगे। नाउ अगर हम इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हर एक ऑपरेशन में दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस हमारी क्या है, कि हम जो अब तक स्ट्रिंग बनाए वो और करंट आई एथ वर्ड इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें, या फिर हम आई को पहले रखें और फिर स्ट्रिंग को बाद में रखें, इसको इस तरह से कॉन्कैटिनेट करें। लेकिन हर एक चॉइस में हमारे पास फिर से दो चॉइसेस आएंगी। किस वजह से आएंगी, क्योंकि हमारा ज्वाइन ऑपरेशन इस तरह से दिया हुआ है कि अगर इसका लास्ट और इसका स्टार्टिंग सेम है तो क्या होगा, हमें उसको एक ही बार कंसिडर करना है, यानी कि सेम वाला केस और नॉट सेम वाला केस। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, अगर आई एथ का लास्ट और स्ट्रिंग का फर्स्ट ये दोनों सेम है तो एक ही बार कंसिडर करना है, सेम वाला केस और नॉट सेम वाला केस। तो इस तरह से हमारे पास हर एक इंडेक्स पर इनिशियली दो चॉइसेस हैं और हर एक चॉइस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे दो रिजल्ट हो सकते हैं। तो टोटल हमारे हर एक वर्ड पर चार टाइप के रिजल्ट पॉसिबल हैं। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे ये चार रिजल्ट पॉसिबल हैं इनको हम एक रिकर्सिव फंक्शन में कंसिडर कर लें। बेसिकली हम हर एक इंडेक्स पर ये दोनों चॉइसेस स्ट्रिंग कोमा आई या फिर आई कोमा स्ट्रिंग इनको कंसिडर करें और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो दो रिजल्ट आ सकते हैं उन सबको हम स्टोर कर लें और जो भी इन चारों का मिनिमम आए वो हम रिटर्न कर दें। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, कि आइदर हम स्ट्रिंग प्लस वर्ड आई, पहले स्ट्रिंग रखें फिर वर्ड आई रखें, दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है कि हम पहले वर्ड आई रखें फिर हम स्ट्रिंग रखें। हम इन दोनों चॉइसेस को फॉलो करें, इन दोनों चॉइसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे दो रिजल्ट्स आएंगे। कौन से दो रिजल्ट्स आएंगे, कि बैक अगर फ्रंट से मैच करते हैं, जब हमने स्ट्रिंग पहले रखा वर्ड आई बाद में रखा, अगर इनका लास्ट और फर्स्ट मैच करता है तो हमारी लेंथ किससे ऐड होगी, हमारा जो भी साइज होगा हमारे वर्ड आई एथ वर्ड का जो साइज होगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कॉमन लेटर एक ही बार आएगा तो एक कम आएगा। अगर दोनों अलग है तो हमें पूरा का पूरा वर्ड का साइज कंसिडर करना है, हमारी फाइनल लेंथ में ये पूरा का पूरा वर्ड जाएगा। सिमिलरली जब हम वर्ड आई इसको पहले रखेंगे स्ट्रिंग को बाद में रखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे दो केस बनेंगे, कि सेम लेटर है या फिर सेम लेटर नहीं है। लास्ट में हम जो इनका मिनिमम आएगा वो एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच लिख सकते हैं। एक बार हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच के सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, लास्ट में हमारे स्ट्रिंग का साइज, हमारे पास एन माइनस वन ऑपरेशन है, हर ऑपरेशन में अगर हमारे वर्ड सेम होंगे लास्ट और फर्स्ट सेम होगा तो क्या होगा, हम एक लेटर को डिलीट कर सकते हैं, इन दोनों में से एक लेटर को डिलीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम क्या कर पाएंगे, एन माइनस वन, इतने लेटर्स को डिलीट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे हर एक वर्ड का साइज होगा वो टोटल साइज हमारा रिटर्न होगा माइनस जितने लेटर्स को हम डिलीट कर पाए। तो स्टार्टिंग में हमने वही किया है, हमें वन से शुरू करना है तो स्टार्टिंग में हमने वर्ड जीरो का साइज ये स्टोर कर लिया, प्लस फर्स्ट इंडेक्स से रिकर्शन कॉल कर दिया, हमें वन से लेकर एन माइनस वन तक ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमारे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हमारा इंडेक्स क्या आ गया, वन आ गया, स्टार्टिंग में हमने वर्ड जीरो इसको कंसिडर किया, तो अभी हमारा प्रीवियस स्ट्रिंग क्या बन गया, वर्ड जीरो, जो भी वर्ड जीरो था हमारा वो हमारा प्रीवियस स्ट्रिंग बन गया और ये पूरा का पूरा वर्ड्स वेक्टर 2D वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ये हमने पास कर दिया। फिर इसके अंदर हमने इंडेक्स लिया, जो अब तक हमारा स्ट्रिंग बना है वो लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रीवियस स्ट्रिंग,
जिसके साथ हमें ऑपरेशंस करने हैं, और हमारा वर्ड्स एरे ये हमने ले लिया। अगर हमारा इंडेक्स ऑलरेडी हमारे बाउंड के बाहर है, यानी कि जो भी हमारे वर्ड्स का साइज है इसके बाहर चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेंथ में कुछ ऐड नहीं करना है, हम यहीं से जीरो रिटर्न कर देंगे। ये हमारी बेस कंडीशन हो गई जिसकी बेसिस पर हम प्रूफ अप्रोच को टर्मिनेट करेंगे। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें चारों पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है, उसको एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर करना है और उसमें इन चारों का मिनिमम रिटर्न करना है। मिनिमम रिटर्न करना है तो हम स्टार्टिंग वेरिएबल को क्या लेंगे, एक बड़ी वैल्यू। हमारे 1000 वर्ड हो सकते हैं और हर एक वर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। तो मैक्सिमम हमारी लेंथ कितनी बनेगी, 50,000। तो कोई भी नंबर आप 50,000 से बड़ा ले सकते हो अपने रेज़ में एज ए इनिशियल वैल्यू। हमने यहाँ पर 1 लाख ले ली। साथ में हमने साइज़ में क्या ले लिया, जो ith वर्ड हम कंसिडर कर रहे हैं उसका साइज़, ताकि हम इन पैरामीटर्स में साइज़ को अपडेट कर सकें। फिर हमने हमारी सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई की। हमारी चार पॉसिबिलिटीज थी, पहले स्ट्रिंग को कंसिडर करें फिर वर्ड साइज को। इसमें अगर मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो क्या होगा, हमारा साइज़ -1 जो कि एक वर्ड कॉमन होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो साइज़ -1 ये हमारे रिजल्ट में ऐड होगा। बाकी हम नेक्स्ट इंडेक्स रिकर्शन कॉल कर देंगे, और नेक्स्ट इंडेक्स रिकर्शन कॉल करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा प्रीवियस स्ट्रिंग था प्लस वर्ड साइज इन दोनों को कंकैटिनेट करके न्यू स्ट्रिंग भेज देंगे। अगर हमारे ये वर्ड सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, सेम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल करना है, हमारी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, लेकिन इस बार आंसर में हमारा साइज़ क्या ऐड होगा, पूरा का पूरा साइज, कुछ भी हमारा डिलीट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम ith वर्ड को पहले रखें और स्ट्रिंग को बाद में रखें तो दो केस हमारे यहाँ से बनेंगे। अगर सेम है तो साइज़ -1 नेक्स्ट इंडेक्स इन दोनों का कंकैटिनेशन इसके साथ कॉल कर दो। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो साइज़ पूरा पूरा एज इट इज़ अपने आंसर में ऐड करो और i+1 और इनके कंकैटिनेशन को पास कर दो। तो इस तरह से हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगी। लेकिन इसमें हम क्या करें, हर बार हम एक न्यू स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो इससे हमारी काफ़ी मेमोरी लगेगी, और अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा मेमोरी लिमिट एक्सेड का एरर आ जाएगा। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप नोट करिए, जो ये आपका स्ट्रिंग है आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग बना रहे हो, लेकिन जो हमारा ऑपरेशन है उसमें हमें केवल फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर इसकी ज़रूरत है। हम कंपेयर किसको करें, लास्ट करेक्टर को फर्स्ट से, फर्स्ट को लास्ट से, केवल इसको कंपेयर करें तो हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग को केवल इन दो करेक्टर फर्स्ट और लास्ट इसके हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या रहेगी कि हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग ना बनाकर दो वेरिएबल ले लेंगे, एक कैर ले लेंगे फर्स्ट, एक कैर ले लेंगे लास्ट। इन दो वेरिएबल्स की हेल्प से हम पूरे के पूरे प्रीवियस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इससे हमारा कोड कैसे दिखेगा, स्टार्टिंग में हमारा वर्ड्स का साइज ये तो हम पास कर ही रहे थे, इंडेक्स हम पास कर ही रहे थे, यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रिंग को केवल फर्स्ट और लास्ट इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्ड 0 डॉट फ्रंट, फ्रंट आपका क्या देता है, स्टार्टिंग करेक्टर, बैक आपका क्या देता है, लास्ट करेक्टर। तो हमने ये दो करेक्टर पास कर दिए, हमने स्ट्रिंग की जगह फर्स्ट और लास्ट ये दो करेक्टर पास कर दिए। फिर हमने इन्हें यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट इन दो वेरिएबल्स में ले लिया। हमारी बेस कंडीशन सेम ही रहेगी कि हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाता है, उस केस में हम जीरो रिटर्न करेंगे। हमारे दो वेरिएबल्स साइज और रेस हम उसी तरह से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हमारी क्या थी, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी थी, हमें स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर और वर्ड आई का फर्स्ट करेक्टर इन दोनों को देखना कि सेम है या नहीं है। अब हमारे स्ट्रिंग का जो लास्ट करेक्टर है वो किस में स्टोर है, लास्ट में स्टोर है, तो हम लास्ट को कंपेयर कर लेंगे फ्रंट से। अगर सेम है तो साइज़ -1 इतना हमारे रिजल्ट में ऐड कर देंगे, और रिकर्शन किसके लिए कॉल करेंगे, i+1 नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। और हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, मान लो हमारे स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर था ए, लास्ट करेक्टर था एल, और जो हमारा न्यू वर्ड है उसका फर्स्ट करेक्टर है एल, और ये पूरा वर्ड ऐसे LOST, ये हमारा ith वर्ड है। तो जब हम इनको कंकैटिनेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए फर्स्ट करेक्टर बनेगा, टी लास्ट करेक्टर बनेगा, तो हम क्या पास कर देंगे, फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट करेक्टर था वो तो न्यू स्ट्रिंग का भी फर्स्ट करेक्टर रहेगा, और वर्ड साई का जो लास्ट करेक्टर होगा वो अब हमारा लास्ट करेक्टर बन जाएगा। जब हम वर्ड साई को स्टार्टिंग में रखेंगे और हमारे प्रीवियस स्ट्रिंग को लास्ट में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट को हम लास्ट से कंपेयर करेंगे, हमारा जो प्रीवियस स्ट्रिंग था उसका फर्स्ट और जो हमारा ith वर्ड है उसका लास्ट को कंपेयर करेंगे। अगर सेम है तो साइज़ -1 ऐड करेंगे, हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल करेंगे, और इस बार हमारा स्ट्रिंग कैसे बनेगा, अब हमारा लास्ट पहले आ गया, फिर ए है, फिर एल है, तो हमारा एल जो कि हमारा क्या था, ith वर्ड का फर्स्ट करेक्टर, वर्ड साई का फ्रंट, और एल जो क्या था, हमारे प्रीवियस स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर, हमारे इस लास्ट वेरिएबल में स्टोर था, तो लास्ट ये हम पास कर देंगे। तो हमने इस अप्रोच में क्या किया, हमने हमारे पूरे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किससे कर दिया, फर्स्ट और लास्ट केवल दो करेक्टर से, हमने पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं बनाया। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा TLE आएगा। क्यों TLE आएगा, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। हर एक इंडेक्स पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस हैं, हमें ऑपरेशन कितने करने हैं, n-1, तो हमारी टर्मोप्लास्टिक इसमें आ जाएगी 2^n-1 जो कि एक्सपोनेंशियल है और टाइम आउट मार जाएगी। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, रिकर्शन को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, अगर हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो तो उसके रिजल्ट को मेमोराइज करके,
बेसिकली डीपी लगाकर। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम बनेगी या नहीं बनेगी। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, फर्स्ट वर्ड लेते हैं ए, सेकंड वर्ड लेते हैं ए, थर्ड वर्ड लेते हैं ए बी। इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम बनेगी या नहीं बनेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इन दोनों वर्ड्स को इस ऑर्डर में ए ए और फिर हमारा ये सेकंड वर्ड ए ए इस तरह से कनकैटिनेट करेंगे और फिर ए बी इसके लिए कॉल करेंगे। इस केस में हमारा क्या होगा, फर्स्ट लेटर आएगा ए, लास्ट लेटर आएगा ए और नेक्स्ट इंडेक्स हमारा क्या आएगा, टू। इस तरह से हमारा रिकर्शन कॉल होगा। सिमिलरली हम एक और क्या करेंगे, हम इस वाले स्ट्रिंग को पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, अगेन हमारी सेम चीज़ बनेगी ए ए ए, ये हमारा कंकैटिनेशन आएगा, ए बी सेकेंड इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल होगा, यानी कि फर्स्ट लास्ट और ये हमारा सेम रहेगा। तो हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम तो आएंगी। अगर हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आएगी तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, मेमोराइजेशन। बेसिकली जिस सब प्रॉब्लम को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है उसका रिजल्ट डायरेक्ट रिटर्न कर दें, हम उसको बार बार कैलकुलेट ना करें। तो हम इसमें डीपी लगाएंगे किस पर, इसमें हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या क्या हैं, हमारा आई इंडेक्स चेंजिंग है, हमारा फर्स्ट लेटर ये चेंजिंग है, लास्ट लेटर ये चेंजिंग है, तो हम इन तीनों पर मेमोराइजेशन करेंगे। नाउ अब हमारे डीपी अरे का साइज़ क्या रहेगा, हमें दिया है कि हमारे वर्ड के सारे लेटर स्मॉल केस होंगे, तो हमारे कितने लेटर्स हो सकते हैं, 26। तो हमारे फर्स्ट और लास्ट इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, 26 और 26। आई हमारा क्या है, इंडेक्स, हमें दिया है कि हमारे टोटल 1000 वर्ड हो सकते हैं, तो हमारे इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 1000। जो भी हमारे इस वर्ड सारे का साइज होगा उतनी हमारी फर्स्ट डायमेंशन आ जाएगी, सेकंड और थर्ड डायमेंशन हमारी फिक्स रहेगी कितनी, 26। तो हमने क्या किया, हमने 3D वेक्टर ले लिया जिसका फर्स्ट डायमेंशन क्या है, जो भी हमारे वर्ड्स का साइज है, सेकंड डायमेंशन क्या है, 26, थर्ड डायमेंशन क्या है, 26। इसको हमने -1 इससे इनिशियलाइज कर दिया। -1 क्या डिनोट करेगा कि हमने अभी इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट कैलकुलेट नहीं किया है। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर -1 की जगह हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा और हम उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे जब भी हमारी वो सब प्रॉब्लम रिपीट होगी। और हमने इस DPRA को हमारे रिकर्शन में पास कर दिया। रिकर्शन में हमारी बेस कंडीशन तो सेम रही, जब भी हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाएगा। उसके बाद हम इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट कैलकुलेट कर रखते थे, लेकिन अगर हमने वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, यानी कि हमारे DPRA में वहाँ पर -1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट यहीं से रिजल्ट को रिटर्न कर दें, हमें उसे दोबारा रिकर्शन के थ्रू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा लेटर है हम इसको 0 to 25 इस रेंज में मैप कर रहे हैं। तो -1 करने से क्या हुआ, हमारा ए 0 से मैप हो जाएगा, बी 1 से, सी 2 से एंड जेड हमारा 25, इस तरह से मैप हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये सेम है साइज और रिजल्ट, और हमारे रिकर्शन भी सेम है। लास्ट में बस हम क्या करते हैं, जब हम रिजल्ट को रिटर्न कर रहे थे उससे पहले हम इसको मेमोराइज कर लेंगे, बेसिकली आई फर्स्ट और लास्ट इसमें हमारे रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, ताकि जब भी ये सब प्रॉब्लम हमारी रिपीट हो हम यहाँ से उसको रिटर्न कर सकें। नाउ अब जब हम इस सॉल्यूशन को सबमिट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने इस प्रॉब्लम को शुरू किससे किया था, एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स से, कि जो हमें प्रॉब्लम में दिया था, जितने ऑप्शन हमारे पास थे हमने उन सबको एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने देखा कि हम इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। पहले हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे थे, लेकिन हमारे ऑपरेशन में क्या था, फर्स्ट और लास्ट केवल इन दो लेटर्स की जरूरत थी, तो हमने स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट और लास्ट इनसे। उसके बाद भी हमारा टाइम आउट मारा था, तो हमने देखा कि हम रिकर्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बेसिकली डीपी लगाकर। तो हमने देखा कि हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, उसके लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, हमें रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स मिली तो हमने इस पर डीपी लगा दी। और डीपी के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारी चेंजिंग स्टेट्स क्या क्या है, इंडेक्स चेंजिंग था, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, ये तीन चीज़ें चेंजिंग थी, तो हमने उस पर डीपी लगा दी। नाउ इसकी हमारी टाइम लिस्टी क्या रहेगी, हमारे तीन चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, तो हमारी डीपी प्रॉब्लम की स्टेट्स कितनी बनेगी, जो भी हमारा आई, जितना हमारा आई चेंज करेगा इंटू जितना हमारा फर्स्ट चेंज करेगा इंटू जितना हमारा लास्ट चेंज करेगा। आई हमारा क्या था, इंडेक्स था, जो कि वर्ड डॉट साइज इस पर डिपेंड कर रहा था, इसको मैं मान लेता हूँ एन। फर्स्ट और लास्ट हमारे क्या थे, फिक्स थे, 26, एन इंटू 26 इंटू 26, ये हमारी आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम इतने साइज का ही एरे लेंगे, डीपी एरे लेंगे, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, एन इंटू 26 इंटू 26। थैंक यू गाइस।